Hello, my dear students. I hope you will all find at home. जैसा कि आपको मालूम है, कुल मिलाके पार्टनरशिप के अंदर पांच चैप्टर्स हैं. सबसे पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप. सेकेंड वन इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. थर्ड वन इज एडमिशन ऑफ ए पार्टनर. फोर्थ वन इज रिटायरमेंट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर. एंड लास्ट वन इज डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म. जो पहले चार चैप्टर हैं पार्टनरशिप के, वो सोमन मैम के द्वारा आपको करवाए जा चुके हैं. जो पांचवा चैप्टर है बेटा, वो मैं करवाऊंगा आपको, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म. तो सबसे पहला जो सवाल उठता है वो ये है कि डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म होता क्या है. जब एक फर्म के पार्टनर ये डिसाइड करते हैं कि हमें फर्म को आगे नहीं लेके जाना, हम फर्म के बिजनेस को बंद करना चाहते हैं, फर्म की एसेट्स को सेल करना चाहते हैं, फर्म की लायबिलिटीज को पे करना चाहते हैं और अपने अकाउंट को सेटल करना चाहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म. अल्टीमेटली जब एक फर्म के पार्टनर ऐसा करते हैं तो फर्म का बिजनेस क्लोज कर दिया जाता है, फर्म की एसेट्स को धीरे धीरे सेल आउट कर दिया जाता है, फर्म की जो लायबिलिटीज है वो पे आउट कर दी जाती है और बचा हुआ पैसा पार्टनर्स को दे दिया जाता है. जब एक फर्म डिसॉल्व होती है तो अमूमन तौर पे चार अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं. एक है रियलाइजेशन अकाउंट, नंबर टू पार्टनर लोन अकाउंट, नंबर थ्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बिल्कुल लास्ट में बनता है या तो कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट. वो डिपेंड करेगा कि फर्म की बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस है या बैंक का बैलेंस है. अगर बैलेंस शीट में आपको कैश का बैलेंस मिले तो यू हैव टू प्रिपेयर द कैश अकाउंट, एंड इफ यू फाइंड द बैंक बैलेंस इन द बैलेंस शीट यू प्रिपेयर द बैंक अकाउंट. तो नॉर्मली फोर अकाउंट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म. वन इज रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड वन इज पार्टनर लोन अकाउंट, थर्ड वन इज कैपिटल अकाउंट एंड लास्ट वन इज कैश और बैंक अकाउंट. तो हम इसको समझने के लिए एक एग्जांपल की हेल्प लेंगे. सपोज देयर आर टू पार्टनर्स नेमली ए एंड बी. दे आर शेयरिंग देयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड द बैलेंस शीट इज बिफोर यू. हियर द बैंक बैलेंस इज 7000, डेटर्स आर 40000 एंड देयर इज ए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बाय 1800. द नेट डेटर इज 38200, स्टॉक 54800, मशीनरी 40000 एंड बिल्डिंग 1,20,000. The aggregate of the assets is 2,60,000 and the liabilities are creditors 20,000, A's loan 30,000, capitals of A and B 1,20,000 and 90,000 respectively, and the aggregate of liabilities is also 2,60,000. Ultimately, the partner decided to dissolve the firm, to close down the business of the firm, and the assets realized as follows: stock 45,000, debtors 35,000, machinery 20% less than book value. The book value of the machinery is 40,000 and it is being realized at 20% less than the book value, means 40,000 less 20%, 8,000. The balance is 32,000. The machinery realized 32,000. Building rupees 30,000 more than book value. It means that the book value of the building is 1,20,000 and the realized value is 1,50,000. 30,000 more than book value. There is a creditors rupees 20,000. They are paid at 5% discount. 20,000 रुपए हमें देने थे क्रेडिटर्स के,
5% डिस्काउंट पे हमने पेमेंट की, 19,000 अमाउंट हमने पे किया, एंड देयर इज ए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस व्हेन वी सोल्ड द एसेट इनटू द मार्केट, व्हेन वी मेक द पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, सो मेनी एक्सपेंसेस आर इनकर्ड, सच एक्सपेंसेस आर कॉल्ड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, दैट इज 1200. दिस इज द सम. तो वी हैव टू प्रिपेयर फोर अकाउंट्स. वन इज रियलाइजेशन अकाउंट, टू सेल द एसेट्स, एंड टू मेक द पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी. वी प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट. टू मेक द पेमेंट ऑफ पार्टनर लोन, वी प्रिपेयर द पार्टनर लोन अकाउंट. टू मेक द पेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, वी प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एंड लास्टली बैंक अकाउंट, टू मेक द बैलेंस ऑफ कैश इन टू द फर्म, एंड टू मेक द पेमेंट वी प्रिपेयर द बैंक अकाउंट. तो मैक्सिमम फोर अकाउंट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एंड कैश और बैंक अकाउंट. इट इज डिपेंड विच बैलेंस इज प्रिपेयर्ड इन द बैलेंस शीट, बिकॉज देयर इज बैंक बैलेंस, वी प्रिपेयर द बैंक अकाउंट. ओके, लेट अस स्टार्ट. हाउ दीज फोर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव टू ट्रांसफर द बैलेंस शीट in these four accounts. The whole balance sheet will be transferred in these four accounts. How it will be? See, bank balance is there 7,000. To balance B 7,000. Debtors 40,000. जितनी भी balance sheet में assets हैं, उन सभी को रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में ट्रांसफर करना है, और वो भी बुक वैल्यू पे. कौन सी वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे. डेटर्स की बुक वैल्यू है 40,000. सो मशीनरी बिल्डिंग 1,20,000, द बैंक बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट. डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी एंड बिल्डिंग, ऑल द फोर एसेट्स विल बी ट्रांसफर टू debit side of the realization account. There is a provision for bad debts. If any of the provision prevailed in the balance sheet, it will be transferred into the credit side of realization account. If there is any provision, whether provision for bad debts, whether provision for depreciation, whether whatever provision is there in the balance sheet, it will be transferred to credit side of realization account, and no further treatment will be made. All the outside liability will be transferred to credit side of realization account by creditors. It's a outside liability. Partner loan will be transferred to partner loan account. And the partner's capital will be transferred to capital account. A's capital is 1,20,000 and B's capital is 90,000. Okay? Now, we have to realize cash from the sale of assets by bank. Stock at 40,000. Stock at 45,000. Debtors 35,000. Cash realized from debtors
35,000. Cash realized from machinery 20% less than book value. 40,000 is the book value, less 20%. 8,000 less current. 40,000 minus 8,000, 32,000. And the last one, that is billing. Rupees 30,000 more than book value. The book value is 1,20,000 plus 30,000, 150. And the aggregate is 180, 210, 250, 262. The amount realized from the sale of asset is 2,62,000. Now, we have to make the payment of creditors and realization expenses. Creditors are paid 5% less. They allowed us discount at the rate of 5%. The creditor is 20,000 minus 5%, 1,000, that is 19,000. Realization expenses. $1,200. Total payment is $20,200. Amount realized. To realization. 2,62,000. And the payment is $20,200. Now we have to calculate whether there is a profit or loss on realization. So we have to compare the total of credit side and the total of debit side. Total of credit side. $2,83,800. And the total of debit side is $2,75,000. There is a profit of 8,800. It will be distributed among the partners in their profit sharing ratio. To profit on realization. In the ratio of 3:2. A and B. 5280 and B 3520. This is the way to prepare the realization account. Once again, I am going to repeat how to prepare the realization account. First of all the assets have to be transferred into the debit side of realization account. All the outside liabilities and provisions have to be transferred to the credit side of realization account. The amount realized from the sale of asset will be shown in the credit side of realization account, and the payment made by the firm to meet creditors and realization expenses will be debited to the realization account. And finally, we will try to find out the profit or loss. If the credit side is more than debit side, there will be a profit which will be distributed among the partners in their profit sharing ratio. And if sometimes you will see that the debit side is more than credit side, it will show loss that will also be distributed among the partners in their profit sharing ratio. Because it's a profit,
it will be credited to the partner's capital account. By realization 5280 and 3520. Okay, students. Now we have to make the payment of A's loan to bank 30,000. After the payment of outside liability, secondly, we have to make the payment of partner loan. This is the sequence to make the payment. You can't violate such sequence. First of all, the outside liabilities are paid. Secondly, the partner's loan is paid. And the last partner's capital is paid. But A is loan 30,000. Okay, beta. Now we are going to make the payment of capital of partners to bank. This is called final payment. This is called final payment. We are settling the partner's capital account. 1,25,280, 93,520. By A's capital, by B's capital. 1,25,280, 93,520. Now, we have to make the total of both the sides. If the total of both the sides is same, we can say that question is okay, correct. 2,69,000. If the total of both the sides is equal, same, we can say that question is correct. Okay. I hope you understand how to prepare realization account, how to prepare partner loan account, how to prepare partner's capital account, and how to prepare bank account. Okay, bye. देखिए अभी हमने जो resolution of a partnership firm का जो practical aspect है वो अभी हमने discuss किया कि जब भी एक फर्म डिसॉल्व होती है तो कैसे उसकी संपत्तियों को धीरे धीरे हम लोग सेल करते हैं, कैसे कैसे हम लोग लायबिलिटीज को पे करते हैं और कौन कौन से अकाउंट हम लोग बनाते हैं, जैसे रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट. पार्टनर लोन अकाउंट तभी बनेगा जब किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया होगा. अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन नहीं दिया तो पार्टनर लोन अकाउंट नहीं बनेगा. कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा और लास्ट में बढ़ेगा कैश या फिर बैंक अकाउंट. तो आमतौर पे 3 से 4 अकाउंट बनते हैं जब ये फर्म डिसॉल्व होती है. उसकी प्रैक्टिस हम धीरे धीरे और आगे करेंगे. तो अभी मैं थोड़ा सा आपके साथ जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा. जैसे कई बार पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या फर्क है. देखने में दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों में बहुत फर्क है. डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है जो पार्टनरशिप के बीच में, पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है, अगर उस एग्रीमेंट के अंदर हम किसी भी प्रकार का कोई चेंज, कोई बदलाव करते हैं, फर्म कंटिन्यू चलेगी, फर्म के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फर्म जैसे चलती आ रही थी वैसे ही चलेगी. सिर्फ पार्टनर्स के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एग्रीमेंट है, उसमें बदलाव होगा. सवाल उठता है बदलाव किस वजह से होगा. बदलाव के बहुत से कारण हो सकते हैं. द चेंज मे बी ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स, द चेंज मे बी ड्यू टू एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, द चेंज मे बी ड्यू टू रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, द चेंज मे बी ड्यू टू डेथ ऑफ ए पार्टनर,
और भी कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें चेंज होता है। जब भी एक फर्म के पार्टनर अपने एग्रीमेंट में किसी प्रकार का चेंज करते हैं, कोई बदलाव करते हैं, तो वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाता है। फर्म की कंटिन्यूएशन पे, फर्म की वर्किंग पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, फर्म जैसे चलती आ रही थी वैसे ही चलती रहती। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर फर्म के बिजनेस को बिल्कुल क्लोज कर दिया जाता है, फर्म डिसकंटिन्यू कर दी जाती है, फर्म की एसेट्स को सेल कर दिया जाता है, फर्म की लायबिलिटीज को पे कर दिया जाता है, पार्टनर्स के लोन को, पार्टनर्स की कैपिटल को वापस कर दिया जाता है, कुल मिला के फर्म डिसकंटिन्यू कर दी जाती है। तो दोनों में बहुत ही फर्क है। जब एक फर्म के पार्टनर्स केवल अपने एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में किसी प्रकार का कोई चेंज करते हैं तो वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाता है, और जब एक फर्म को बंद कर दिया जाता है, क्लोज डाउन कर दिया जाता है, वाइंड अप कर दिया जाता है, तो उसको हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि भाई अगर हम फर्म को बंद करना चाहते हैं तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या सिचुएशन हो सकती है फर्म को बंद करने। तो सबसे पहले है, हम इस पॉइंट को दो भागों में बांटेंगे, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। जब कोर्ट का किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस, कोई इंटरवेंशन नहीं होगी, फर्म के पार्टनर ही डिसाइड करेंगे कि हमें फर्म को डिसॉल्व करना है। जैसे पहला पॉइंट है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, फर्म का जन्म भी बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, और अगर फर्म के पार्टनर चाहे तो वो म्यूचुअल एग्रीमेंट से फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है बाय नोटिस। अगर जो पार्टनरशिप फर्म है, अगर उसका कोई समय सीमा हम लोगों ने तय नहीं की हुई, तो पार्टनरशिप एट विल है, जब तक पार्टनर चाहे फर्म चलेगी। अगर एक भी पार्टनर चाहता है कि फर्म को बंद कर दिया जाए तो वो बाकी पार्टनर को नोटिस जारी करेगा और फर्म को बंद कर दिया जाएगा। तीसरे नंबर पे आता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन का मतलब होता है जब आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको फर्म को बंद ही करना होगा। कब ऐसा होगा? जब या तो फर्म का बिजनेस अनलॉफुल हो जाए, अनलॉफुल का मतलब होता है आपका बिजनेस लीगल ना रहे, इलीगल हो जाए। अगर आपका बिजनेस इलीगल हो गया है, कल तक गवर्नमेंट ने वो बिजनेस अलाउ किया हुआ था, आज गवर्नमेंट ने उस प्रकार के बिजनेस को बैन कर दिया है, तो जैसे ही आपका बिजनेस इलीगल होगा, अनलॉफुल होगा, आपको अपनी फर्म बंद करनी होगी, यू हैव टू क्लोज डाउन द बिजनेस। और सेकंड वन, अगर एक फर्म के सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं या एक पार्टनर को छोड़ के बाकी सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं, तो देयर इज ए कंपल्शन टू क्लोज डाउन द बिजनेस, यू हैव टू डिसॉल्व द फर्म। और नंबर फोर पे आता है ऑन हैपनिंग ओपन इवेंट। ऑन हैपनिंग ओपन इवेंट पे आपकी चॉइस है। अगर आप इन केसेस में, जो भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, आप चाहें तो फर्म को बंद कर सकते हैं, ना करना चाहें तो ना करें। जैसे अगर कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो बाकी पार्टनर चाहें तो वो फर्म को कंटिन्यू भी कर सकते हैं एक नया एग्रीमेंट करके, और वो चाहें तो फर्म को बंद भी कर सकते हैं। डेथ ऑफ ए पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो बाकी पार्टनर चाहे तो फर्म को डिसॉल्व भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, और वो चाहे तो फर्म को एक नए एग्रीमेंट के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ये तो केसेस हुए जब पार्टनर्स अपनी इच्छा से फर्म को बंद करते हैं। कई बार कोर्ट को भी ये अधिकार होता है कि कोर्ट इंटरफेयर करके और आदेश जारी कर सकता है फर्म को क्लोज डाउन करने का। वो कौन कौन से केसेस है? पहला है व्हेन ए पार्टनर हैज बिकम अनसाउंड माइंड। अगर कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड हो जाए, अपना दिमागी तौर पे बैलेंस खो दे, और कोई दूसरा पार्टनर अगर कोर्ट में अपील करे, तो कोर्ट को अधिकार है कि फर्म को डिसॉल्व करने का आदेश दिया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है, अगर कोई पार्टनर परमानेंटली इनकैपेबल हो जाए, अगर उसके शरीर में कोई ऐसी कमी आ जाए कि अब वो एज ए पार्टनर, एज ए वर्किंग पार्टनर काम नहीं कर पाएगा, और कोई दूसरा पार्टनर अगर कोई कोर्ट में अपील करता है कि इस प्रकार की सिचुएशन फर्म में हो गई है, तो कोर्ट आदेश दे सकता है फर्म को बंद करने का। तीसरा, अगर कोई पार्टनर गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट है, मतलब कहने का यह है कि फर्म को डिस्टर्ब करता है, इनडिसिप्लिन करता है, बार बार फर्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो कोई दूसरा पार्टनर अगर कोर्ट में अपील करता है
तो कोर्ट फर्म को डिसॉल्व करने का आदेश दे सकता है। फोर्थ केस है, अगर कोई पार्टनर बार बार जो पार्टनरशिप में जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो क्लॉजेस हैं, जो भी उनके बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको वायलेट करता है, उनको ब्रीच करता है, उनको तोड़ता है, तो कोई दूसरा पार्टनर अगर कोर्ट में इस बारे में अपील करता है तो कोर्ट पूरा पूरा अधिकार रखता है कि वो फर्म को डिसॉल्व करने का आदेश दे सकता है। और अगर कोर्ट को ये लगता है कि फर्म काफी टाइम से लॉस में चल रही है और फ्यूचर में भी उसके प्रॉफिट में चलने के कोई चांसेस नजर नहीं आते, तो भी कोर्ट को अधिकार है कि कोर्ट फर्म को डिसॉल्व करने का आदेश दे सकती है। तो दीज आर सम ऑफ द सिचुएशंस अंडर विच द कोर्ट मे पास एन ऑर्डर टू डिसॉल्व द फर्म। ओके, थैंक यू।